Yogi School online classes, and today's video is about chapter 4, class 9, science and part 2. In previous video we discussed about the structure of atoms, and उसमें हमने थोड़ा introductory part देखा कि सब atomic particle कौन-कौन से होते हैं. Previously हमने पढ़ा था कि जो according to the Dalton's theory के डाल्टन के अकॉर्डिंग हमने ये पढ़ा था कि जो एटम है वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता. बट यहाँ पर हमने देखा कि अल्टीमेटली 19th सेंचुरी में कुछ साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि जो एटम है वो आपका कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड होता है. दैट मींस ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलकर के एटम को फॉर्म कर रहे हैं. उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हमने इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के फॉर्म में लास्ट पार्ट में पढ़ा. आज हम देखने वाले हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए कुछ साइंटिस्ट ने कुछ मॉडल प्रपोज किए थे. इन मॉडल को कैसे कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया और इससे हमें कैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो रिलेटेड डिटेल्स है वो पता चले. सो लेट्स कंटिन्यू टुडेस टॉपिक अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर. यहाँ पर हम देख रहे हैं एटॉमिक मॉडल्स. सो एटॉमिक मॉडल्स में जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि देयर आर थ्री मॉडल्स वर गिवन. जैसे कि बात करें सबसे पहले हमने कहा कि थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, इसके अलावा रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम एंड बोर्स मॉडल ऑफ एटम. ये जो तीनों मॉडल यहाँ पर आपके बुक में गिवन है, प्रीवियसली जब इनिशियली एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के आपके ट्राई किए गए तो उनमें कुछ ये मॉडल प्रपोज किए गए और रदर इनके रिलेटेड जो भी फैक्ट हुए उसके बावजूद अभी लेटेस्ट जो हम बात करें तो मोस्ट ट्रस्टेड एंड साइंटिफिकली एस्टेब्लिश मॉडल ऑफ एटम आज के तारीख में अपन बात करें तो क्या हो जाता है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम. यानी आज के समय में एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको कौन सा मॉडल सबसे अच्छा मिलेगा, मोस्ट ट्रस्टेड मॉडल इज कॉल्ड एज अ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम. नाउ आपके सिलेबस में अपन जो एक एक करके मॉडल गिवन है उनको एक्सप्लेन करेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम. जे.जे. थॉमसन जिन्होंने हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी की थी, उन्होंने एटम को समझाने के लिए या फिर एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी प्रपोज की, उसी को अपन यहाँ पढ़ रहे हैं थॉमसन्स मॉडल, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, आल्सो कॉल्ड एज अ वाटरमेलन मॉडल. अब इसको ऐसा क्यों कहा गया कि व्हाई डज इट कॉल्ड एज अ वाटरमेलन मॉडल, तो उन्होंने जो भी एक्सप्लेनेशन दिया एटॉम के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए उसे अकॉर्डिंग हमने इसे क्या नाम दे दिया, आल्सो कॉल्ड एज अ वाटरमेलन मॉडल. इसलिए वाटरमेलन मॉडल कहा कि जैसा आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया कि एटम जो है एक स्फीयर के फॉर्म में है जैसा कि वाटरमेलन होता है, और वाटरमेलन का जो पल्प पार्ट है यानी जो रेडिश पार्ट हो जाता है वो हो जाता है आपका पॉजिटिव स्फीयर हो जाता है. यानी कि उन्होंने कहा कि एटम क्या है, एक पॉजिटिव स्फीयर है जिसमें नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है जिस तरह से वाटरमेलन में उसके सीड्स प्रेजेंट होते हैं इन बिटवीन द बल्ब, तो वैसे ही यहाँ पर उन्होंने कहा कि पॉजिटिव स्फीयर के बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिव चार्ज इस तरह से अरेंज होते हैं. तो ये मॉडल एक वाटरमेलन से रिजेंबल करता है, इसलिए हम इस मॉडल को वाटरमेलन मॉडल का नाम भी दिया गया. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल थॉमसन ने क्या बोला कि इन दिस मॉडल थॉमसन प्रेडिक्टेड द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द पॉजिटिव स्फीयर. तो उन्होंने कहा क्या कहा कि पॉजिटिव स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जैसे वाटरमेलन में सीड्स मौजूद होते हैं ऐसे ही यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जस्ट सेम एज द सीड ऑफ द वाटरमेलन आर एम्बेडेड इन द रेड एडिबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन. तो उन्होंने इस मॉडल को हमने किससे कंपेयर कर रहे हैं, वाटरमेलन से. तो वाटरमेलन में भी स्फीयर है, उन्होंने कहा कि एटम एक पॉजिटिव स्फीयर का बना हुआ है जिसमें नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन वाटरमेलन में सीड की तरह मौजूद होते हैं. ऑल्दो दिस मॉडल एक्सप्लेन न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम. हमने शुरू में बात करी थी कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ना तो वो पॉजिटिवली चार्ज होता है ना ही वो नेगेटिवली चार्ज होता है. तो सेम चीज को थॉमसन ने ये तो एक्सप्लेन कर दिया कि एटम आपका न्यूट्रल है, कैसे कि जितना पॉजिटिव चार्ज उसके स्फीयर में है उतना ही नेगेटिव चार्ज जो है उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो इससे ये तो प्रूव हो गया कि एटम न्यूट्रल है, लेकिन एटम की और भी प्रॉपर्टीज होती है उसको ये मॉडल अल्टीमेटली एक्सप्लेन नहीं कर पाया. सो दैट्स व्हाई अदर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड ऑन एटम हेंस इट वाज डिस्कार्डेड. तो कुछ
मेन फीचर जो एटम में प्रेजेंट होने चाहिए जो बाद के थ्योरीज में आपको पता चलेंगे वो इस थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पाया, इसलिए अल्टीमेटली इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया। इसके बाद फिर हमारे साइंटिस्ट आए हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड ने एटम को समझाने के लिए अपना एक मॉडल प्रपोज किया, तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं। तो सेकंड एटॉमिक मॉडल ये आपके बुक में गिवन है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड ने एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए भी एक मॉडल प्रपोज किया जो उन्होंने अपने अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग प्रपोज किया। तो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसे हम यहां कह रहे हैं अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस उन्होंने क्या किया कि रदरफोर्ड बम्बार्ड अल्फा रेस हीलियम न्यूक्लियस अपॉन थिन गोल्ड फॉयल, यानी कि उन्होंने गोल्ड की बहुत पतली एक चादर टाइप की आप समझ लीजिए दैट इज फॉयल, जिस पे उन्होंने बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या अल्फा पार्टिकल्स की बौछार करी और उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस देखे कि अल्फा पार्टिकल्स कैसे उसमें बिहेव कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि पहला फैक्ट उन्होंने क्या देखा, मोस्ट अल्फा रे पार्टिकल्स पास थ्रू गोल्ड फॉयल अनडिफ्लेक्टेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने रिप्रेजेंट किया है कि कैसे एक एटम के जो स्ट्रक्चर को समझाने के लिए यहाँ पे अल्फा पार्टिकल कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि मोस्ट अल्फा रेस पार्टिकल पास थ्रू गोल्ड फॉयल अनडिफ्लेक्टेड। तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे जो मैंने ब्रैकेट बनाया है ये आपके कैसे हैं अनडिफ्लेक्टेड अल्फा रेस हो जाते हैं। तो पहला उन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉयल अनडिफ्लेक्टेड। फिर दूसरा उन्होंने क्या देखा कि सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास बाय फॉयल स्मॉल एंगल, यानी कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जब पास होते हैं तो किसी एक एंगल से पास होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स हैं ये कैसे हो जा रहे हैं एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। फिर उन्होंने देखा वन आउट ऑफ एवरी 12,000, यानी कि एवरी 12,000 में से केवल एक अल्फा पार्टिकल जो है वो कैसा हो जा रहा है अपीयर टू रिबाउंड, यानी कि पहले अपने रास्ते तक जाता है और सेंटर से वो डिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जाता है। तो इस तरह के अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल को समझाने के लिए कुछ थ्योरीज दी। तो एक एक करके वो थ्योरी डिस्कस करते हैं। तो पहला उन्होंने ऑब्जर्वेशन जो देखा अपने अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरह का हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि एटम कंसिस्ट ऑफ प्रीडोमिनेंटली एम्प्टी स्पेसेस एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉयल अनडिफ्लेक्टेड। तो पहला ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा कि ज्यादा करके जो अल्फा पार्टिकल है बिना किसी डिफ्लेक्शन के पास थ्रू हो जाते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि एटम का बहुत सारा खाली हिस्सा मौजूद है, यानी कि एटम में बहुत सा खाली हिस्सा मौजूद है। एटम कंसिस्ट ऑफ प्रीडोमिनेंटली एम्प्टी स्पेसेस एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू अनडिफ्लेक्टेड। फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या देखा कि एटम कंटेन्स सेंट्रली प्लेस्ड पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस कैरिंग पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बिकॉज फ्यू अल्फा पार्टिकल्स सफर्ड डिफ्लेक्टेड एज वेरी फ्यू वन इन 12,000 बाउंस्ड बैक। तो उन्होंने क्या देखा कि 12,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल जो है वो एटम के सेंटर पार्ट से सीधा सीधा डिफ्लेक्ट होकर के अपने पुराने जो रास्ते पर लौट आया है। इससे ये पता चलता है कि एटम में सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या हो जाते हैं पॉजिटिवली चार्ज, तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंटर जो पार्ट जो है सेंट्रल पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और आगे जाकर के आपको पता चलेगा कि ये जो सेंट्रल पार्ट होता है एटम का यही आपका न्यूक्लियस हो जाता है जहाँ पर नॉर्मली प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। ये वाला जो प्रोटॉन सेंटर में प्रेजेंट होते हैं ये अभी रदरफोर्ड ने नहीं बताया था, ये आगे के साइंटिस्ट ने प्रूव किया था। रदरफोर्ड ने खाली ये बताया था कि न्यूक्लियस के सेंटर में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज मौजूद है क्योंकि 12,000 में से केवल एक अल्फा पार्टिकल ही था जो कि अपने बाउंस बैक हो रहा था। तीसरा उन्होंने क्या बात करी कि सिंस अ मिनट फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल सफर डिफ्लेक्शन एंड वेरी फ्यू बाउंस बैक दिस लीड टू द कंक्लूजन दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस एंड एटम इज एम्प्टी एंड ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल कंपेयर्ड टू द एम्प्टी स्पेसेस, यानी कि सेंटर पार्ट जो है वो खाली वाले पार्ट से कंपेयर में बहुत छोटा है और अपने सेंटर में ही एग्जिस्ट करता है। सो
size of the nucleus is about 10 to the power minus 5 times the size of an atom. तो उन्होंने क्या बात करी कि जो एटम के सेंटर में जो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है, जिसको हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियस है, उसका जो साइज है वो एटम के साइज का 10 टू द पावर माइनस 5 टाइम और छोटा है। यानी कि एटम अगर अपन बात करें तो न्यूक्लियस उससे 10 टू द पावर माइनस 5 टाइम्स और ज्यादा छोटा हो जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड प्रपोज मॉडल ऑफ एटम हैविंग फॉलोइंग फीचर। तो ये सब जो उन्होंने अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से जो ऑब्जर्वेशन किए और जो भी फैक्ट बताए, उस अकॉर्डिंग उन्होंने मॉडल जो प्रपोज किया, उस मॉडल के अकॉर्डिंग कुछ हम यहाँ पर उसके फैक्ट यहाँ पर आपको बताते हैं। सो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, उन्होंने कुछ फैक्ट्स बताए, क्या क्या फैक्ट बताए जो एटम के स्ट्रक्चर को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इफ देयर इज अ पॉजिटिवली प्लेस्ड न्यूक्लियस इन एन एटम नियरली ऑल द मासेस रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो उन्होंने क्या कहा कि देयर इज अ पॉजिटिवली प्लेस्ड न्यूक्लियस इन एन एटम, यानी उन्होंने कहा कि एटम में सेंट्रली प्लेस्ड पॉजिटिवली चार्ज आपका क्या हो जाता है, न्यूक्लियस हो जाता है, और एटम का सारा जो मास है वो इन्हीं न्यूक्लियस में रिसाइड करता है, जो कि अल्टीमेटली किसके फॉर्म में होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के फॉर्म में, ये बात में पता चला। दूसरा, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट, यानी उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है अपने न्यूक्लियस के अराउंड वेल डिफाइंड ऑर्बिट में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। और तीसरा, सबसे लास्ट में, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। तो उन्होंने क्या बताया कि जो न्यूक्लियस है एटम का, उसका साइज एटम से 10 टू द पावर माइनस 5 टाइम्स और ज्यादा शॉर्टर या छोटा है। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उन्होंने जो भी ऑब्जर्वेशन किए उस अकॉर्डिंग उन्होंने ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की कुछ थ्योरीज बताई। नाउ आगे जाकर के पता चला कि ये जो फैक्ट रदरफोर्ड ने बताए हैं इनमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, इस कारण इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। तो उन ड्रॉबैक्स को अपन देखते हैं कि क्या ड्रॉबैक्स थे जिसके कारण रदरफोर्ड की जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया गया। सो द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या था, उन्होंने कहा था कि अकॉर्डिंग टू द मॉडल ऑफ रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ वेल डिफाइंड ऑर्बिट। उन्होंने कहा था कि न्यूक्लियस के अराउंड जो ऑर्बिट है वो वेल डिफाइंड, न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है वो वेल डिफाइंड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है इलेक्ट्रॉन क्या है, एक तरह का चार्ज पार्टिकल है, जैसा कि हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज होता है। तो अगर वो रिवॉल्व कर रहा है तो उसको रिवॉल्व करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी उसमें चार्ज के कारण होती है। धीरे धीरे अगर वो रिवॉल्व कर रहा है तो यहाँ पर क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन बीइंग चार्ज पार्टिकल विल लूज द एनर्जी एंड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। क्या हो जाता है कि बीइंग चार्ज पार्टिकल विल लूज देयर एनर्जी, अपने जो ऑर्बिट में रिवॉल्व होने के लिए क्या करेगा, उस एनर्जी को यूज करेगा, और जैसे ही वो एनर्जी खत्म हो जाएगी तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा तो इस कारण एटम क्या हो जाएगा, अनस्टेबलाइज हो जाएगा। तो दिस वॉज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड विच वॉज अनएक्सप्लेन्ड बाय हिम। तो ये जो फैक्ट थे वो रदरफोर्ड प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो इसके बाद अपन जो मॉडल पढ़ने वाले हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल, वो प्रीवियस टाइम में मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल माना जाता था, लेकिन जैसा कि पहले भी मैंने बताया आजकल आप जो मॉडल हम पढ़ते हैं सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मॉडल कौन सा हो जाता है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो लास्ट मॉडल और देख लेते हैं, बोर्स एटॉमिक मॉडल और उसके फैक्ट और जो हम उनके कुछ जो ड्रॉबैक है या नहीं है वो देखते हैं। तो यहाँ पर लास्ट एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम हम देख रहे हैं जिसमें हो जाता है बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल नील बोर इन 1912 प्रपोज द मॉडिफाइड मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम टू ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ
एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल का स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर का मॉडल प्रपोज किया था, उसके जो ड्रॉबैक हमने अभी देखे उनको ओवरकम करने के लिए क्या किया गया, नील बोर नामक साइंटिस्ट ने 1912 में अपना एक मॉडल प्रपोज किया। तो उस मॉडल के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज द डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर फॉलोड इनसाइड द एटम। तो पहला जो ड्रॉबैक हमने देखा था कि रदरफोर्ड के ड्रॉबैक हमने देखा था कि उन्होंने ये तो कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हैं, लेकिन प्रॉपरली उसको डिफाइन नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नील बोर ने क्या कहा कि ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट एज अ डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम, व्हाइल रिवॉल्विंग द डिस्क्रीट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। यानी कि जिन ऑर्बिट्स की हम बात कर रहे हैं जिसको नील बोर ने डिस्क्रीट ऑर्बिट कहा, उनमें अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो किसी भी तरीके का एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा, यानी एनर्जी को रिलीज नहीं करेगा। थर्ड, एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब बाय एन एटम ओनली व्हेन अ इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम ऑर्बिट वन ऑर्बिट टू अनदर। यानी अगर किसी भी तरह की एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है या उसको एब्जॉर्ब करना है तो वो तब करेगा जब वो कभी एक दूसरे शेल से पहले शेल में या पहले शेल से दूसरे शेल में जंप कर रहा है, तभी वो एनर्जी का एक्सचेंज कर सकता है। ठीक है, तो ये जो फैक्ट थे ये हमारे नील बोर ने बताए, जिसमें उन्होंने कहा कि बाकी सारे फैक्ट उन्होंने रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग ही रहे कि एटम में सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, इनको उन्होंने क्या कहा डिस्क्रीट ऑर्बिट, और व्हाइल रिवॉल्विंग द डिस्क्रीट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन किसी भी तरह की एनर्जी को इमिट नहीं करता, और थर्ड पॉइंट एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय एन एटम ओनली व्हेन अ इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि सपोज कोई इलेक्ट्रॉन जो है आपका इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में जंप कर रहा है, तो इस केस में क्या होगा आपका एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, कि अगर इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट की तरफ मूव कर रहा है तो यहां पर क्या होगा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, और इन केस अगर इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिटल से इनर ऑर्बिट में आ रहा है तो इस केस में एनर्जी क्या होगी रिलीज हो जाएगी। तो एनर्जी का एक्सचेंज तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन का एक शेल से दूसरे शेल में क्या हो रहा है मूवमेंट हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन जो है आउटर शेल से इनर शेल में जा रहा है तब एनर्जी रिलीज हो रही है, और जब इलेक्ट्रॉन इनर शेल से आउटर शेल में जा रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है अकॉर्डिंग टू द नील्स बोर मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे अपन ने देखा तीनों, एक तो फैक्ट जो अकॉर्डिंग टू नील बोर मॉडल हमने बताया, पहला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, तो जिन ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहे हैं उनको डिस्क्रीट ऑर्बिट कहा, व्हाइल रिवॉल्विंग द डिस्क्रीट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनी टाइप ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब बाय एन एटम व्हेन ओनली, कब होगा जब इलेक्ट्रॉन किसी तरीके का मूवमेंट करेगा एक शेल से दूसरे शेल में। तो इस तरह से नील बोर ने जो एटॉमिक मॉडल बनाया था दैट टाइम में उसको मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल कहा गया, लेकिन जैसा कि पहले भी बताया मैंने आजकल हम कौन सा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम है उसको सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सेप्टेड मानते हैं। तो ये हमने देखे तीनों टाइप के एटॉमिक मॉडल जो एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझाने के लिए दिए गए थे, उनसे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट हमने देखे, उनसे रिलेटेड फैक्ट हमने देखे, उनके कुछ ड्रॉबैक्स देखे, और अकॉर्डिंग टू देम एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझाने के लिए जो भी अपन ने प्रिंसिपल्स दिए उनको यहाँ पर डिटेल में समझा। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो में हम देखेंगे कि जो एटॉमिक मास है, मास नंबर है, इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस सेल्स, जो हमने बात करी थी बोर बारी का प्रिंसिपल, वैलेंस शेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और आइसोटोप और आइसोपार्ट्स, इसकी डिटेल डिस्कस हम इस चैप्टर के वीडियो नंबर पार्ट 3 में करेंगे। So thanks for watching our today's video and please do like, share and subscribe our channel and study well.